कनाडा में हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है। कनाडा में हिंदुओं पर हमला हुआ है, तस्वीरें डराने वाली हैं। खालिस्तानी समर्थकों ने ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आए लोगों पर हमला कर दिया। जिन लोगों ने हिंदुओं पर हमला किया उनके हाथों में खालिस्तानी झंडे थे। इस हमले की कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निंदा की। वहीं दूसरी तरफ कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदुओं पर हुए हमले के बाद हिंदू महासभा के पुजारी की अगुवाई में हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। हिंदुओं ने नारे लगाए हैं, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। अगस्त में जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला किया गया, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, तभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, बटोगे तो कटोगे, उसी समय का यह नारा था, और हिंदुओं को एकजुट करने की हुंकार भरी। और अब इस नारे की गूंज कनाडा तक पहुंच गई है भाई साहब, इसलिए इस खबर को विस्तार से बता रहा हूं। कनाडा में हिंदुओं को निशाना बनाया गया तो चंद घंटों के अंदर ही हिंदू एकजुट हो गए और बुलंद आवाज में नारे लगाने लगे। सब कुछ समझना चाहते हैं तो देख लीजिए विस्तार से, सब कुछ विस्तार से दिखा रहा हूं। सोचिए, भारत में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बटोगे तो कटोगे का नारा आजकल बुलंद है, और भारत ने 11,462 किलोमीटर दूर कनाडा में जब हिंदुओं पर हमला हुआ तो एक साथ आकर हिंदुओं ने एकता की हुंकार भर दी। जिस कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदुओं पर हमला हुआ वहां का धार्मिक समीकरण कैसा है यह भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहा हूं। सब कुछ देख लीजिए, विस्तार से समझ लीजिए। कनाडा के ब्रैम्पटन में करीब 1,63,000 सिख समुदाय के लोग हैं, जो करीब 25% है, जबकि हिंदुओं की संख्या 18%, यानी 1,17,000 के करीब है। कनाडा के ब्रैम्पटन में 32 हिंदू मंदिर हैं, जहां हिंदू समुदाय के लोग जाकर पूजा पाठ करते हैं। सब कुछ विस्तार से बता रहा हूं। लेकिन इसी ब्रैम्पटन के हिंदू महासभा मंदिर में जब हिंदू भगवा झंडा लेकर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तो खालिस्तानी झंडा लिए हमलावरों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। कनाडा में हुए इस हमले से भारत के संत भी नाराज हैं, गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए, कौन क्या कह रहा है, सुन लीजिए, समझ लीजिए। दिखाइए रिपोर्ट। हिंदू मंदिर पर जो हमला हुआ है यह बेहद ही निंदनीय। ये जो खालिस्तानी है ये आतंकवादी है। राजनीतिक हितों के कारण वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के आगे घुटने टेक दिए। कहीं भी कोई अटैक ना हो, क्योंकि ये अटैक कोई भी हो, मरता कौन है, अपने ही मरते हैं, इसलिए ऐसी सोच का त्याग होना चाहिए। कनाडा के मंत्री जी ने जो बोला है, निंदा किया है, निंदा करने से ही काम नहीं चलता, उनके अधिकार है, वो मंत्री है वहाँ के, इसलिए तुरंत उस पर कार्यवाही किया जाए। आप खालिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत पर आप आरोप लगाते हैं, ये कहां से न्याय उचित है? प्रधानमंत्री नाराज है, संत नाराज है, क्यों नाराज है? मैंने आपसे वादा किया था कि बताऊंगा। संतों की नाराजगी क्यों है? क्योंकि पहली बार हमला नहीं हुआ है कनाडा में, बार बार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले साल देख लीजिए, मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको स्क्रीन में सब कुछ दिखा रहा हूं। पिछले साल अप्रैल में विंडसर में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। पिछले साल ही यानी 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में लक्ष्मी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई। इस साल जुलाई में भी एडमॉन्टन में बैप स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई, और अब 3 नवंबर को ब्रैम्पटन में एक बार फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। नाराजगी की ये सारी वजह मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। लेकिन इस बार हमला हुआ तो कनाडा में भी हिंदू जाग गए हैं। जहां हमला हुआ वहां एक साथ आकर हमले का विरोध भी करने लगे हैं। हिंदू महासभा मंदिर के पुजारी कहने लगे हैं, बटेंगे
तो कटेंगे। विस्तार से बता दिया, क्योंकि दूसरे देश का मसला था और हिंदुत्व का मामला था।